الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये तुर्की की है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है इस वीडियो में तुर्कों के कुरान करीम से मोहब्बत के इजहार में वालहानापन और इश्क व मोहब्बत को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक तुर्क ताजिर ने जब मदरसे और कुरान करीम के तालिब इल्मों को आते देखा तो पहले तो ये पक्का किया कि क्या वाकई मदरसे के तलबा और अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाले आ रहे हैं या और कोई है वीडियो में नजर आता है कि तुर्क दुकानदार पहले दुकान के बिल्कुल सामने खड़े होकर देखता है फिर मजीद पक्का करने के लिए वो दुकान से बाहर दो कदम निकलता है इस बार वो अच्छी तरह देखता है कि क्या वाकई कुरान करीम के तलबा हैं फिर जब पक्का हो जाता है कि हाँ वाकई ये कुरान करीम के हफाज और मदरसे के तलबा हैं तो ये तुर्क दुकानदार निहायत तेजी से दौड़ता हुआ दुकान के अंदर जाता है और सामने रखी हुई मिठाई या चॉकलेट का एक पूरा बंडल उठाता है और इसी तेजी से दौड़ता हुआ दुकान से बाहर आता है और निहायत एहतरामजीम के साथ मदरसे के इन तलबा को और अल्लाह के कलाम से मजावलत रखने वाले इन तलबा को एक एक करके मिठाई देना शुरू कर देता है इस दौरान एक तालब इल्मे बेनियाजी से चॉकलेट लिए बगैर आगे बढ़ जाता है तो ये तुर्क दुकानदार आगे बढ़कर उस तालब इल्म को भी चॉकलेट देने की शादत हासिल करता है मिठाई या चॉकलेट देते देते आखिर में जब यह ख़त्म होने लगती है और कुछ तलबा बाकी रह जाते हैं तो ये तुर्क दुकानदार एक तलब इल्म के बाज़ू पर हल्का सा हाथ मारते हुए ज़बान हाल से ये कहता है कि बस पाँच सेकंड रुकें मैं अभी आया बाजू पर हाथ मारते हुए तुर्क दुकानदार वापस दुकान के अंदर दौड़ लगाता है और यहीं पर यह सीसीटीवी फुटेज वाले कैमरों से बनी वीडियो बंद हो जाती है सोशल मीडिया पर इस्लाम पसंद हल्कों की जानब से इस वीडियो पर भारी रद्दमल आ रहा है और कुरान करीम और कुरान करीम से मजावलत रखने वालों की इज्जत अफजाई और ताजीम पर इस तुर्क दुकानदार को सोशल मीडिया सारिफिन सराह रहे हैं और इसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं एक सारिफ सार्फ़ल ने लिखा कि वो यानी तुर्किया वाले इस इज्जत की बरकतें समेट रहे हैं और हम ऊलमावलबा की बेकरामी और दुश्मनी करके करकेतें समेट रहे हैं एक दूसरे सारिफ़ सरफराज बट लिखते हैं कि माशा बहुत ही खूब वो मुल्क और कौमें कभी भी बर्बाद नहीं होती जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी पर पहरा देती हैं जैन आरफ नामी सार्फ़ लिखता है कि अल्लाह पाक इस कौम को हमेशा आबाद रखे तुर्क कौम से मोहब्बत की बहुत वजूहत हैं ये एक और इजाफा हो गया हसन रहमत लिखते हैं कि इस्लाम से मोहब्बत की वजह से आज तुर्की उम्मत मुसलिमा के दिलों में बसता है तुर्की के भयानक माजी की तरफ इशारा करते हुए याकूब आलम नामी सारिफ लिखता है कि माशा तुर्की में एक वक्त तक पाबंदियाँ थीं सबके दीनी जज्बात और एहसास दिलों में दबे हुए थे अब खुल कर इजहार मोहब्बत और अकीदत हो रहा है हमारे यहाँ तो मजहबी आज़ादी और आसानी थी जिसकी कदर न की गई अब सब छीना जा रहा है अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए एक फेसबुक सारिफ अब्दुल रज़ाक ताहिरी लिखते हैं कि सेकुलरिज्म और इलाहा के दलदल से सौ साल गुजर कर तुर्क अब दोबारा इस्लाम की तरफ आ रहे हैं मगर हमारी रियासत औरत मार्च और मगरबी एन जी ओज़ के ज़रिए रात दिन मुल्क को लिब्रेलिज़म की तरफ ले जा रही है और तरक्की के रास्ते इसी में इनको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो पर तबसरा करते हुए महराजुल्ल् ने अपना वाक़ा शेयर किया कि वाकई कुछ लोगों की हाफिज़ों से मोहब्बत बेानतहा होती है चंद दिन पहले एक जगह से कुछ खाया पैसे देने पर उस बंदे ने बताया कि आपके पैसे उस आदमी ने दे दिए हैं सैयद बिलाल शाह अपने तबसरे में लिखते हैं कि सिर्फ तुर्की ही नहीं हमारे पाकिस्तान में भी लोग हफाज कुरान और की बड़ी कदर वज्जत करते हैं यही वजह है कि हज़ारों की तादाद में मदारस इन्हीं मुखिर हज़रा के चंदों से चलते हैं अल्लाह तम सबको की कदर करने की तोहफ़ी कत फ़रमाए फवाद खान कहते हैं कि दिन और दीनदार लोग कदर के मुस्तक है और इनकी कदर करना हमारा दीनी फरीजा है एक ट्विटर की निगाह से देखते हैं अल्लाह तसे लोगों को तरक्की दे और जो उलमाए कराम और मदारस को बुरा भला कहते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह वर्बाद और नस्त व नबूद कर दे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कुछ कहना चाहें तो तबसरे के खाने में अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों